अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त या विषयातील कविता आठवी सायंकाळची शोभा या कवितेचे कवी आहेत भारा तांबे. आज आपण या कवितेचे संपूर्ण स्पष्टीकरण आणि कृती या व्हिडिओमध्ये बघून शाळात आला. त्या अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो, की आप मेरे इस यूट्यूब चॅनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चॅनल माझी मराठी को आप सबस्क्राइब करें और मेरी वीडियोज को आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस कविता का जो शीर्षक है सायंकाळची शोभा, इस शीर्षक का हम अर्थ समझ लेते हैं. सायंकाळ मतलब शाम का वक्त, सूरज ढलने का वक्त, और शोभा मतलब खूबसूरती. तो सूरज ढलते समय जो खूबसूरती चारों तरफ नजर आती है उसका वर्णन इस कविता में कवि भारा तांबे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, यानी अपनी बोले हम उसको सादी भाषा में, इस कविता में इन्होंने स्पष्ट किया है. तो बच्चों, हम निकालते अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी किताबें निकाल लेंगे और साथ में एक एक पेंसिल भी निकाल लेंगे आप लोग, ताकि जब आपको इस कविता का स्पष्टीकरण और कृति जब समझाई जाए तो आप उसे पेंसिल से नोट कर लें. चला, पान क्रमांक 22, कविता आठवीं सायंकाळची शोभा, मतलब शाम के समय की खूबसूरती. कवि भारा तांबे यांचा जन्म 1873 साली झाला आणि मृत्यू 1941 साली झाली. अब बच्चों, हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, किस चीज का बयान किया है. तो देखते हैं लास्ट में. आकाशातील सूर्य मावळतीला जाताना पृथ्वीवर दिसणाऱ्या अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन कवीने सुबोध भाषेत केलेले आहे. आकाशातील सूर्य मतलब आसमान का सूरज, यानी सूरज मावळतीला जाताना मतलब कि यानी गुर होते समय, डूबते समय, पृथ्वीवर यानी जमीन पर दिसणाऱ्या अप्रतिम सौंदर्याची, जमीन पर दिखने वाले बहुत ही खूबसूरत यानी अपने दृश्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है कि सूरज जब डूबता है, गुर्ब होता है, तो उस समय जो खूबसूरत दृश्य इस पृथ्वी पे हमारे जमीन पे दिखाई देता है उसका वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर और सुबोध भाषा में किया है. चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं कविता की. पिवड़े तांबूस ऊन को वड़े पसरे चौफेर ओढ़ा ने सोने वाटे वाहुनिया दूर. तो बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हम लोग. पिवड़े तांबूस, पिवड़े मतलब पीला और तांबूस मतलब सुर्ख माइल रंग, कोवड़े मंजे नाजुक और चौफेर मतलब चारों तरफ, ओढ़ा ओढ़ा मतलब बच्चों नाला, सोने मतलब गोल्ड, वाटे मतलब महसूस होना. तो कवि शाम के वक्त का वर्णन करते हुए, उस खूबसूरत दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरज गुर्ब हो रहा है और उसकी पीली और तांबूस रंग की किरणें चौफेर यानी चारों तरफ फैल रही है और उस समय सूरज की किरणें नाजुक है, बिल्कुल कोवली है, और सूरज की उस समय की रोशनी यानी किरणें जब नाले के बहते हुए पानी में गिरती है तो ऐसा प्रतीत हो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो ओढ़ा मतलब नाला वो सोना बहा कर ले जा रहा है. चला, आता अपन मराठी मध्ये समजून घेऊ. कवी म्हणतात की या सायंकाळच्या वेळेत सूर्य मावळतीला जात आहे,
या वेळेस आकाशातील सूर्याची जी किरणे आहेत ती पिवळी तांबूस आणि नाजूक आहेत, आणि अशी किरणे चौफेर म्हणजे चहूकडे पसरलेली आहे. ओढ्याच्या पाण्यामध्ये ही किरणे जणू सोनेरी रंगाची दिसत आहे. कवीला असे प्रतीत होत आहे की ओढा आपल्या सोबत सोने म्हणजे गोल्ड सोने वाहून नेत आहे. नेक्स्ट त्यांचा, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकेस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी. शब्द ऐकले बच्चों, झाडांनी मतलब दरख्तों ने, मुकुट मतलब ताज क्राउन, डोकीस मतलब सर पर, सोनेरी मतलब गोल्डन, कुरन कुरन मतलब कि खेत में गाय भैंस बैल बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए इन्हें चरने के लिए एक एक पर्टिकुलर स्पेस एक पर्टिकुलर जगह छोड़ी जाती है, उसे कहते हैं मराठी में कुरन. शेत मतलब खेत, गुलाल चौफेरी, गुलाल गुलाल तो पता है हमें जो होली वगैरह में इस्तेमाल होता है, चौफेरी मतलब चारों तरफ. तो अब कवि और दूसरा वर्णन कर रहे हैं. तो कवि कहते हैं कि सूरज की वो गोल्डन रंग की वो सुनहरी रंग की वो किरणें दरख्तों के ऊपर गिर रही है, उनके यानी ऊपरी हिस्से पे, दरख्तों के ऊपरी हिस्से पे वो सोनेरी किरणें, सूरज की सोनेरी किरणें गिर रही है. उन्हें देखकर उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उन दरख्तों ने उन झाड़ों ने सोने का मुकुट ने सोने का ताज पहन लिया है, परिधान कर लिया है, और सूरज की किरणें चारों तरफ खेत और कुरन में फैल गई है. उससे ऐसा लग रहा है कि पूरे कुरन में खेत में गुलाल फैल गया है. आता मराठी में समझेंगे अपन. कवि म्हणतात की मावळतीच्या सूर्याची सोनेरी किरणे झाडांवर पडत आहे, त्यामुळं असं प्रतीत होत आहे असे वाटत आहे की जणू त्या झाडांनी गोल्डन मुकुट आपल्या डोक्यावर त्यांनी परिधान केलेला आहे, आणि सूर्याची लाल सोनेरी किरणे संपूर्ण शेतात आणि कुरणावर पसरलेली आहे, की संपूर्ण कुरणामध्ये संपूर्ण शेतांमध्ये गुलाल चौफेर पसरलेला आहे. चला आता आपण बघू थोडस. हिरवे हिरवे गार शेत हे सुंदर साडीचे, हिरवे हिरवे गार शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे. अब साड़ी, साड़ी मतलब बच्चों चावल की खेती या चावल की खेतों में खेती के लिए जो यानी फसल होती है उसे कहते हैं साड़ी. देखिए आपको चित्र में भी नजर आ रहा है कि छोटे छोटे घास जो दिखाई दे रहे हैं हमें वो क्या है, चावल के पौधे, उससे कहा है उसे कहा गया है साड़ी. झोंके मतलब झूलना, चहुकड़े मतलब चारों ओर, हिरवे गालीचे मतलब हरे भरे गालीचे या कालीन. तो अब कवि इस कड़वे में साड़ी के खेत के यानी चावल के खेत का वर्णन यहां कवि कर रहे हैं. तो कवि कहते हैं कि ये दृश्य बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चावल की खेती के जो पौधे हैं वो पूरे हिरवे गार पूरे हरे 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 भरे नजर आ रहे हैं, और वो हवा से इधर उधर डोल रहे हैं, झूल रहे हैं, झोंका ले रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हरे भरे गालीचे ये झूल रहे हैं. आता मराठी में समझूंगी. कवि म्हणतात की
शेतामध्ये साडीचे पीक हिरवेगार सुंदर असे दिसत आहे। हे पीक वाऱ्याने इकडे तिकडे डोलत आहे। असे वाटत आहे की जणू हे साडीचे पीक नाही तर हिरवे गालीचे आहे जे वाऱ्याच्या ठोक्यावर इकडे तिकडे झोका घेत आहेत। चला मुलांनो आता बघू चौथीकडे। सोनेरी मखमली रुपेरी पंख किती कांचे रंग किती वर तरहे तरहेचे इंद्रधनुष्याचे। शब्दार्थ देखले बच्चो, सोनेरी मतलब गोल्डन कलर, मखमली मतलब मखमल के रंग का, रुपेरी मतलब कि सिल्वर कलर चांदी के कलर का, पंख मतलब पर, किती कांचे किती किती यहां पे कीटकों को कहा गया है, कीड़े मकोड़े तितलियां इन्हें कहा गया है कीटक किती। रंग मतलब रंग, तरहे तरहे चे मतलब अलग अलग रंग अलग अलग प्रकार। इंद्रधनुष्य इंद्रधनुष्य मतलब बच्चों धनक जिसे हम अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। अब कवि इस कड़वे में कीड़े पतिंगों और तितलियों का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही साथ इंद्रधनुष्य का भी वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि इस शाम के समय, इस सायंकाल के समय चारों तरफ कीड़े पतिंगे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सूरज की रोशनी में उनके पंख सोनेरी मखमली और रुपेरी रंग के नजर आ रहे हैं और आसमान में भी अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के रंग इंद्रधनुष्य के रंग दिखाई दे रहे हैं। आता अपन मराठी में समझून घेऊ। कवी म्हणतात की संध्याकाळ होत आहे आणि सूर्याची पिवळी तांबूस आणि कोवळी किरणे चहूकडे पसरत आहे। इकडे तिकडे उडणाऱ्या किडे आणि फुलपाखरांच्या पंखावर जेव्हा हे किरणे पडत आहे तेव्हा ती पंखे त्यांची सोनेरी मखमली आणि रुपेरी रंगाची दिसत आहे। आकाशात देखील अनेक रंग अनेक प्रकारचे तरे तरेचे रंग पसरत आहे। असं वाटत आहे की इंद्रधनुष्य आपले रंग त्या आकाशात सोडत आहे किंवा पसरवत आहे। पुढे अशी अचल फुल पाखरे फुले साडीस जनू फुलती साडीवर झोपली जनू का पाळण्यात झुलती। अचल मतलब अस्थिर चंचल इधर उधर टहलने वाली घूमने वाली, फुल पाखरू फुल पाखरे मतलब तितलियां, साड़ी साड़ी तो पता है हमें यानी चावल की खेती, पाड़ना पाड़ना मतलब झूला। तो अब इस कड़वे में कवि तितलियों का वर्णन कर रहे हैं यानी फुल पाखरू का वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि शाम का समय हो गया है और तितलियां इधर उधर घूम रही है टहल रही है उड़ रही है और वो इधर उधर चावल के पौधों पर उड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि शाम तो हो रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो तितलियां उस साड़ी के पीक पे यानी फसल पे सो रही है और झोंका झूल रही है। आता मराठी मध्ये आपण बघू। कवी म्हणतात की सायंकाळची वेळ झालेली आहे आणि फुलपाखरू अस्थिर फुलपाखरे इकडे तिकडे उडत आहे आणि ते साडीच्या झाडांवर जाऊन बसत आहे। असं वाटत आहे की ते त्या झाडांवर बसून झोप घेत आहे आणि त्या झोक्यामुळं त्या पाळण्याच्या मतलब झुले तिथं त्या पाळण्यामध्ये बसून ते झोका घेऊन नितांत आपली झोप काढत आहे असे कवीला प्रतीत होते। पाचवं, झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दूर सरी उडती। झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दूसरी उडती हिरे मान के पाचू फुटुनी पंखची गरगरती। अब हम परिशब्द देख लेते हैं। झुड़कन सुड़कन मतलब तेजी से इधर उधर उड़ना,
इकड़ून तिकड़े मतलब इधर उधर, हीरे मतलब डायमंड, मानिक, मानिक बोले तो एक प्रकार का जेमस्टोन, पाचू भी हुई है, पंख गरगरती, पंख ची गरगरती यानी इनके पंख घूम रहे हैं गिरगिर कर रहे हैं। तो कवि इस कड़वे में भी यानी जो फूल पाखरू है यानी तितलियों का ही वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है, सारी तितलियां इधर उधर तेजी से उड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी तितलियों के जो पंख है उन पंखों पर हीरे, मानके और पाचू ये अनमोल रतन जड़े हुए हैं और उससे उनकी शोभा, उनके पंखों की शोभा और बढ़ रही है। आता मराठी में समझूं क्यों? कवि म्हणतात की सायंकाळ होता है आणि सूर्य मावळतीला जात आहे, फुलपाखरू झपाट्याने इकडून तिकडे तिकडून इकडे असे उडत आहे, त्यांच्या पंखावर हिरे, मानके आणि पाचू ही अनमोल मानके दिसत आहे, त्यामुळे त्यांच्या पंखांची शोभा अधिक वाढत आहे, ते अधिक सुंदर दिसत आहे। आता अखेरच कडव, पहा पाखरे चोरुनी होती झाडावर गोळा, पहा पाखरे चरुनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा। शब्द आए गए बच्चों, पाखरे मतलब परिंदे, चरोनी, चरोनी मतलब चरकर खाकर जमा हुए, झाड़ावर मतलब दरख्तों पर, गोड़ा होना मतलब जमा होना, कुठे बुड़ाला, कुठे बुड़ाला मतलब कहां डूब गया, कहां गुर्ग हो गया, सोन्याचा गोड़ा, सोना मतलब गोल्ड, गोड़ा मतलब गोला, तो यहां सोना का गोला मतलब गोल्डन यानी गोल्ड का गोला नहीं, तो यहां पे कवि ने सोन्या का गोड़ा मतलब डूबते हुए सूरज को सोन्याचा गोड़ा ये उपमा दी है। तो कवि कहते हैं कि अब सूरज डूब गया है और चारों तरफ के परिंदे चर कर खाना खाकर वो अपने अपने दरख्तों पर जमा हो गए हैं और अब अंधेरा हो चुका है, तो उनके मन में ये प्रश्न निर्माण हो रहा है कि वो यानी सोने का गोला, सोने का गोला कहाँ डूब गया है, ऐसा प्रश्न उन्हें निर्माण हो रहा है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। आता मराठी में समझूं क्यों? कवि म्हणतात की आता संध्याकाळ झालेली आहे आणि सूर्य बुडालेला आहे, चहूकडची पाखरे चरून झाडांवर गोळा झालेली आहे, त्यांच्या मनात एक प्रश्न भेडसावत आहे की तो सोन्याचा गोळा म्हणजे सूर्य तो कुठे बुडाला आहे, कुठे गेला आहे, असा प्रश्न त्या पाखरांच्या मनात निर्माण होत आहे असे कवीला वाटते। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं सायंकाळची शोभा, इस कविता पर आधारित कृति यानी स्वाध्याय, पान क्रमांक 23। एक, आकृत्या पूर्ण करा। बघा काही आकृत्या दिलेल्या आहेत, त्या आकृत्या आपल्याला कवितेच्या आधारे पूर्ण करायच्या आहेत। अ, कवीने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये, की कवीने इस कविता में उन 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 मतलब धूप, धूप की खासियत, उसकी विशेषताएं, एडजेक्टिव, कौन कौन से एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है? हाँ, तीन एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, एक पिवड़े, दूसरे तांबूस आणि तीसरे कोवळे मतलब नाजुक। आता आकृति आ, कवीने वर्णन केलेली फुलपाखरांच्या पंखांची वैशिष्ट्ये, कवीने वर्णन केलेली फुलपाखरांच्या पंखांची वैशिष्ट्ये, कवीने इस कविता में फुलपाखरू यानी बोलेंगे हम जिसे कि तितलियों के पंखों का वैशिष्ट्य कैसा वर्णन किया है, तो कैसा वर्णन किया है, किन वस्तुओं से उन्होंने कंपैरिजन किया है? हाँ, हीरे, मानके आणि पाचू, हीरे, मानके आणि पाचू। आता प्रश्न दोन बघू, इंद्रधनुष्य हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा। इंद्रधनुष्य हा शब्द उत्तर येईल असं आपल्याला
एक प्रश्न तयार करायचे आहे. आणि लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनो, प्रश्न तयार करताना शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह देणे अनिवार्य आहे. तो बच्चों हमें ऐसा प्रश्न निर्माण करना है कि जिसका आंसर, जिसका उत्तर इंद्रधनुष ये शब्द बन जाए. हमें सिर्फ प्रश्न बनाना है, उत्तर नहीं. तो देखिए प्रश्न निर्माण किया गया है, आकाशात तरह तरह चे रंग कशाचे दिसतात. आकाशात तरह तरह चे रंग कशाचे दिसतात आणि प्रश्नार्थक चिन्ह. आता प्रश्न क्रमांक 3 बघू. खालील संकल्पना आणि त्यांचा अर्थ यांच्या जोड्या लावा. तर आपल्याला अ गट आणि ब गट असे दोन ग्रुप म्हणजे गट दिलेले आहेत. अ गट मध्ये काही संकल्पना दिलेल्या आहेत आणि ब गट मध्ये त्या संकल्पनावर आधारित त्यांचा अर्थ दिलेला आहे. तर आपल्याला तो संकल्पना, त्या संकल्पना आणि त्यांचा अर्थ यांच्या जोड्या जुळवायच्या आहे. यहां पे आपको मैं डायरेक्ट उत्तर दिखा रहा हूं. देखिए अ गट, अ ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर. इसका अर्थ क्या है? 3, ओढ़ातील वाहते सोनेरी पानी म्हणजे जनू सोने. आ कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी. तो इस संकल्पना का अर्थ, हाँ, नंबर 1, कुरणावर शेतात पसरलेला गुलाबी रंग म्हणजे जनू गुलाल. ई झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे. इसका अर्थ क्या है? 4, साडीचे शेते म्हणजे झोके घेणारे जनू हिरवे गालीचे. आणि ई हिरे मानके पाचू फटुनी पंखची गरगरती. इसका उत्तर, इसका अर्थ, 2, फुलपाखरांचे सुंदर विविध रंगी पंख म्हणजे जणू हिरे पाचू मानक. 4, आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक 4, कवितेतील यमक जुडणारे शब्द शोधा व लिहा. इस कविता में जो यमक जुडणारे मतलब राइमिंग वर्ड्स है वो हमें ढूंढना है और लिखना है. जैसे चौफेर दूर, सोनेरी चौफेरी, साडीचे गालीचे, कितिकांचे इंद्रधनुष्याचे, फुलती झुलती उडती गर गरती. आता प्रश्न क्रमांक 5 बघू. बघा आले प्रश्न क्रमांक 5 ची आकृती. कवितेच्या आधारे खाली चौकटी पूर्ण करा. की कविता के आधार पे ये जो चौकट दी गई है ये हमें पूरी करना है. अ सोनेरी मुकुट घालणारी, सोनेरी मुकुट गोल्डन क्राउन पहनने वाली. तो किसका वर्णन किया गया इसमें कविता में? झाड़े. आ साड़ीवर झोपनारी, चावल के पौधों पर सोने वाली. फूल पाखरे. ई सोन्याचा गोळा, सोन्याचा गोळा मतलब सूर्य. अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं. देखिए यहां पे आपको एक परिच्छेद नजर आ रहा है, एक पैराग्राफ नजर आ रहा है. इसमें हमें क्या करना है? खालील परिच्छेद वाचा, विराम चिन्हांचा उपयोग्य वापर करून परिच्छेद पुन्हा लिहा व वाचा. हे वा, हे एक परिच्छेद दिलेला आहे, उतारा दिलेला आहे, हे आपल्याला वाचायचे आहे. आणि या उतार्यावर, या उतार्यात योग्य त्या ठिकाणी योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग करून आपल्याला पुन्हा तो लिहायचे आहे, पुन्हा त्याला वाचायचे आहे. तो बच्चों इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक विराम चिन्ह एक अलग वीडियो अपलोड किया गया है. उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. आप उस वीडियो को देखकर ये उतारा यानी परिच्छेद आप अच्छे से यानी उसको विराम चिन्ह का इस्तेमाल करके लिख सकते हो. चला आता बंधु प्रश्न क्रमांक 7, स्वमत. स्वमत मतलब ये प्रश्न ऐसा होता है बच्चों कि हमें अपने शब्दों में, मराठी में अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है और ये एग्जाम में 2 मार्क्स यानी 2 गुणों के लिए पूछा जाता है. तो शुरुआत करते हैं. हाँ, प्रश्न अ, संध्याकाळच्या सौंदर्याचे वर्णन कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दात लिहा. कि कविता का वर्णन शाम के समय जो खूबसूरती का वर्णन इस कविता में किया गया है उसे आपको अपने शब्दों में मराठी में लिखना है. तो उत्तर दिया गया आपको, आप ऐसा लिख लेंगे. उत्तर,
सायंकाळची शोभा या कवितेमध्ये कवी भारा तांबे यांनी मावळतीला जाताना दिसणाऱ्या सूर्याचे सुंदर शब्दात वर्णन केले आहे. नेक्स्ट पॅराग्राफ. सूर्य जेव्हा अस्त किंवा मावळतो तेव्हा त्याचे पिवळे तांबूस आणि नाजूक ऊन चौफेर पसरते. असे वाटते की सूर्याची सोनेरी किरणे ओढ्यांच्या पाण्यात पडल्यावर जणू ओढा सोने वाहून नेत आहे. सूर्याची सोनेरी किरणे झाडांवर पडल्यावर असे वाटते की जणू त्यांनी सोनेरी मुकुट घातले आहे. कुरणावर शेतामध्ये गुलाल रंगासारखी चौफेर सूर्य किरणे पसरलेली आहे. साडीचे हिरवेगार शेत चहूकडे झोके घेत आहे. किड्यांचे पंख सोनेरी मखमली व रुपेरी इंद्रधनुष्याच्या रंगासारखे दिसत आहे. अचल फुलपाखरे इकडे तिकडे साडीच्या झाडांवर फिरत आहे. असे वाटत आहे जणू त्या डोक्यावर झोका घेत आहे. असं वाटत आहे जणू त्या झोक्यावर म्हणजे पाळण्यात झोका घेत आहे. सायंकाळ झाली आहे. सर्व पाखरे चरून झाडावर बसली आहे. ते विचार करत आहे म्हणजे त्यांना प्रश्न निर्माण होत आहे की हा सोन्याचा गोळा म्हणजे सूर्य कुठे बुडाला आहे असा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. अशा प्रकारे या कवितेचे भावार्थ आपण आपल्या शब्दात वर्णन करू शकतो. आता प्रश्न आ, सूर्योदयाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा. इस कविता में सायंकाळ की शोभा यानी शाम के समय का वर्णन किया गया है. यानी सूर्य जब अस्त होता है डूबता है उसका वर्णन किया है. लेकिन अब हमें इस प्रश्न में सूर्योदय का वर्णन करना है यानी सनराइज का वर्णन करना है. सूरज जब निकलता है उसका वर्णन करना है. तो हमें अपने शब्दों में लिखना है. तो मैंने अपने गाँव का बताया हूँ, आप भी अपने इर्द गिर्द का लिख सकते हैं मराठी में. उत्तर, माझे गाव चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेला आहे. जिकडे तिकडे रानमाळ आहे त्यामुळे चहूकडे सुंदरता पसरलेली आहे. सूर्योदय आणि सूर्यास्त यांचे अप्रतिम सौंदर्य माझ्या गावातून दिसते. हळूहळू सूर्याची किरणे डोंगराला प्रकाशातून आमच्या समोर आणते. सूर्योदयाच्या वेळी सूर्याची किरणे कोवळी असते. सोनेरी किरणे झाडांवर हळूहळू पसरते. असे वाटते की झाडांनी सोनेरी मुकुट परिधान केले आहे. हळूहळू सूर्य आकाशात चढतो. त्याच प्रकारे सूर्याची किरणे उष्ण होत जातात. सभोवताली पक्ष्यांच्या चिवचिवाटामुळे वातावरण संगीतमय होते. सर्व दूर सूर्याच्या किरणाचा मुलामा चढत जातो. अशा प्रकारे सुंदर व विलोभनीय सूर्योदय न विसरणारा असतो. किंवा बच्चों, आपको ये कविता का अर्थ, स्पष्टीकरण और स्वाध्याय कृति अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए और आप आगे आप इसे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू.